हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ फ्रेंड। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राई, जो बहुत आसान तरीके से झटपट बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसे शुरू से अंत तक मेरे साथ देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, ऐसे ही आसान तरीके से अगर रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिए हैं दो बड़े साइज के आलू, देखिए। अब हम इसे छील के और इसके काट लेते हैं। तो चलिए, हमने आलू को इस तरह से लंबे लंबे साइज में काट लिए हैं, देखिए। अब हम इसको उबालते हैं। तो देखिए, एक कढ़ाई में हमने पानी लिए हैं। अब हम इसमें आलू को डाल देते हैं। पानी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। अब इसे हमें उबलने देते हैं। चलिए, तो जो हमारी आलू है वो उबल चुकी है। अब हम इसे निकालते हैं। और निकाल के हम इसे एक कपड़े पर डालकर इसके सारे पानी को देखिए, हमने इसे कपड़े पर फैला लिया है। अब हम इसे पंखे के नीचे रख देते हैं, ताकि इसकी पानी जो है अच्छी तरह से सूख जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हमने पंखे के नीचे रखे थे, पूरी अच्छी तरह से इसके पानी सब सूख गए हैं। अब बारी है हमारी, इसे हम डीप फ्राई करते हैं। तो चलिए, हम डीप फ्राई करते हैं इसे। देखिए फ्रेंड, ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकालते हैं। इस तरह से लाल करके हमने फ्राई कर लेने हैं। और बाकी सबको भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें ज़रा सा नमक डालते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे आप टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। तैयार है ये पूरी तरह से। तो चलिए फ्रेंड, हमारी
फ्रेंच फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही आसान तरीका से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।